सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की खोज करने निकले थे। तब वो समुद्र के रास्ते से होकर गुजर रहे थे और जब वो फ्लोरिडा के पास थे तब उन्होंने नोटिस किया कि उनका कंपास, जो कि उस समय आपको सही रास्ता दिखाने का काम किया करता था, वो उस जगह पर काम करना बंद कर देता है। तब वो एक रात वहीं पर बिताते हैं और वो जब आधी रात में अपनी जात से बाहर की ओर देखते हैं, तब उन्हें एक आग का गोला आसमान से समुद्र में गिरता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस जगह की मिस्ट्री, जिसे आज के दिन हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। वैसे दोस्तों, ये एक घटना नहीं बल्कि कई सारी अनसुनी घटनाएं हैं बरमूडा ट्रायंगल की। यहाँ पर अभी तक 100 से भी ज्यादा प्लेन और विमान गायब हो चुके हैं, जिनका पता ना तो आज तक चल पाया है और ना ही आगे चल पाएगा। और ऐसी ही दोस्तों एक घटना है 5 दिसंबर 1945 की, जब दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं सिर्फ 3 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग के लिए। और इस फ्लाइट में बैठे हैं 14 क्रू मेंबर्स। ये पांचों विमान उड़ान भरते ही फ्लोरिडा से ईस्ट की ओर। सब कुछ ठीक चलता है दोस्तों अगले 2 घंटों तक, लेकिन उसके बाद इन 14 क्रू मेंबर के लीडर नोटिस करते हैं कि इनके कंपास में कुछ गड़बड़ चल रही है। और तब वो लीडर बाकी चारों पायलट को पूछते हैं, लेकिन उन चारों विमानों के कंपास भी मेल फंक्शन करने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्तों मौसम बिगड़ने लगता है। इनके लीडर को लगता है कि पांचों विमान अभी गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर है, इसलिए उन्हें वापस फ्लोरिडा की ओर जाने के लिए ईस्ट की ओर फ्लाई करना चाहिए। और तभी वो लीडर बाकी सभी को कमांड देते हैं ईस्ट की ओर फ्लाई करने के लिए। धीरे धीरे दोस्तों मौसम और बिगड़ने लगता है और कुछ देर बाद रात हो जाती है और पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि शाम पड़ते पड़ते ये पांचों विमान 370 किलोमीटर दूर चले जाते हैं फ्लोरिडा से। और उस दिन शाम को 7:15 पर इनके लीडर का आखिरी मैसेज रेडियो पर सुनाई देता है, लेकिन उसके बाद ये पांचों विमान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिनका दोस्तों आज के दिन तक कोई पता नहीं चलता है। इन पांचों विमानों के गायब होने के बाद इन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट को 13 लोगों के साथ टेक ऑफ किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन वो विमान भी हमेशा के लिए, पहले दोस्तों 5 विमानों के 14 लोग और अब इस रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट के 13 लोग भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिनका दोस्तों आज के दिन तक कोई पता नहीं चलता है। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक भयानक घटना हुई थी 1918 में। इस जहाज में दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसिड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था अमेरिका के लिए। 4 मार्च 1918 को बाल्टीमोर शहर से ये जहाज रवाना होता है 306 लोगों के साथ ब्राजील के लिए। इन लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 किलो मैग्नीज भी था। इस पूरे रास्ते को कवर करने में इस जहाज को 9 दिनों का समय लगना था। 2 दिन तक ये जहाज अपने सफर पर सही तरीके से चलता है, लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद ये जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसका आज के दिन तक कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे अनसुने किस्से हैं बरमूडा ट्रायंगल के, जो कि लोगों को चौंका कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों असल में कहानी ऐसी नहीं है। अगर देखा जाए तो दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है। पर अगर बरमूडा ट्रायंगल का नाम आए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस बात का दोस्तों सीधा सा मतलब है, जिस चीज के बारे में लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो जगह या वो चीज लोगों के माइंड में हमेशा के लिए रहती है। और असल में दोस्तों ये कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पानी में मीथेन की मात्रा होने पर पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे पानी पर तैरने वाली चीजें पानी में डूबने लगती है। कहते हैं दोस्तों कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में
मीथेन की मात्रा काफी ज्यादा मौजूद है। एंड दोस्तों दूसरी बात, जहाँ पर ये ट्रायंगल सा एरिया बनता है वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है, और जब हवाएं तेज बहती है और जब वो हवाएं पहाड़ों को पार नहीं कर पाती है तब वो वापस घूमती है, जिससे वहाँ पर एक चक्रवात सा बन जाता है। और जब हवाएं तेजी से बहती है तब दोस्तों चक्रवात तेज होता है, जिससे आसमान में चलने वाले प्लेन भी कभी कभार चक्रवात में फंस जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में गायब हो जाते हैं। ये थी दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।